हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों लोहगढ़ शाहबाद सड़क का नाम बाबा बंदा बैरागी रखण दे ऐलान दे नाल सिख नायक बाबा बंदा सिंह बहादुर की जानबूझ के की जा रही सिख भावनावां दे उल्ट पेशकारी का सिख चिंतकां ने भारी इतराज जताया। आईएएस गुरदेई सिंह, हिस्टोरियन गुरदर्शन सिंह, प्रसिद्ध पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू वर्गियां शख्सियतां ने कहा कि हरियाणा सरकार बंदा सिंह का भगवाकरण कर रही है। सिख चिंतकां ने कहा कि इस महान सिख जरनैल नूं शहीदी दे उपरंत हिंदू समाज दे बैरागी वर्ग तक सीमित करन दी पेशकारी दे यतन बर्दाश्त नहीं कीते जाणगे। भाजपा सरकार दे वल्लों सिख घट गिनती दे माणमते इतिहास नूं अपने सौड़े हिंदूतवी सियासी हितां दी पूर्ति दे लई वगाड़ के पेश करना एक घिनौनी साजिश है। सिख इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के धर्म पुत्र वजों जाने जाते हैं, जिन्होंने खालसा राज की सिरजना की, जिन्होंने गुरु का थापड़ा लैके छोटे साहबजादियों ते माता गुजरी के कातल सरहंद के सूबेदार वजीद खां दे नाल टक्कर ली ते सरहंद की इट दे नाल इट खड़का के खालसा राज की सिरजना का ऐलान किया। खालसा राज ओ इनकलाब सी जिथे दबे कुचले लोकां नूं हक दिते गए ते जमीना दे मालक बनाया गया। इथों तक राजनीतिक जिम्मेवारियां भी सौंपियां गईयां। इह फ्रांस दे इनकलाब तों 80 साल पहलां दा इनकलाब सी ते हुण आरएसएस दे कहण ते सिख इतिहास दा भगवाकरण कीता जा रिहा है। इह इतिहास दे नाल सिख भाईचारे दे नाल बेईमानी है। अजिहा इस लई जिस माधोदास बैरागी ने अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह नूं धर्म पिता कबूल के खालसा पंथ च शामिल होया ते बाबा गुरबख्श सिंह बनाम बंदा सिंह हो गया, उस नूं मुड़ के बैरागी बनाउणा सिरे दी बेईमानी है ते ओह वी हरियाणा सरकार दे वल्लों। इह संविधानिक ते कानूनी अपराध है कि किसी दीआं धार्मिक भावनावां नूं छेड़िया जाए। पंथक जथेबंदियां नूं हरियाणा सरकार दे विरुद्ध बनदी कारवाई करनी चाहीदी है।